आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए 15 मेंबर्स की स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इन 15 में से कौन से 11 जाएंगे मैदान पे, कौन से 4 बैठेंगे बेंच पर, क्या होगी भारत की प्लेइंग 11, उसके बारे में करेंगे बातचीत और चर्चा आप सभी के साथ इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे आप, मैं हूं आप सभी के साथ लक्षित। ये बात हम सभी के समक्ष जरूर है कि भारत की एशिया कप की स्क्वाड का अनाउंसमेंट काफी बड़े इंतजार के बाद और काफी रोमांच के साथ हुआ है, जहां स्क्वाड के अंदर 2 बड़े स्टार्स इंजरी के चलते नहीं है, जिसके अंदर नाम शुमार हो जाता है जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल का, जिसके बाद भारत की प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन पे काफी खासा फर्क पड़ने वाला है। कौन से 11 खिलाड़ी होंगे वो तो हम सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दिया जाए, इस एशिया कप का आगाज होने जा रहा है 27 अगस्त से यूएई में, जहां पर श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में पहला मैच होगा, लेकिन भारत के लिए उनका ओपनिंग एनकाउंटर हमारे पुराने आर्च राइवल्स पाकिस्तान के साथ है, जहां 28 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से वो महामुकाबला शुरू हो जाएगा। उस मुकाबले में कौन से 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं उसके बारे में अब करते हैं यहां से बातचीत, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। ओपनिंग में सबसे पहले हो सकते हैं आपके लिए रोहित शर्मा और उनके साथ में वाइस कप्तान KL राहुल। KL राहुल हालांकि IPL के बाद पहली बार खेलेंगे, लेकिन KL राहुल का यहां से टीम में आना भारत के लिए काफी बड़े पॉजिटिव संकेत हैं, क्योंकि रोहित और राहुल की यही साझेदारी है जिन्होंने भारत के लिए T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी दूसरी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड लगाया हुआ है 2018 में। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए वहां से जरूर मौजूद होंगे विराट कोहली। हालांकि कोहली कर रहे हैं एक कमबैक, आखिरी जो दौरा था इंग्लैंड का वहाँ कुल मिला के 5 मैचेस खेले जिसमें 100 से भी कम रन आए थे, लेकिन किंग कोहली वो नाम है जो एशिया कप में सबसे ज्यादा अपनी इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोरिंग पारी खेल चुका है, 183 की 2012 में आई थी वो श्रीलंका के सामने। उसके बाद चौथे नंबर से मिडल ऑर्डर का दारोमदार संभालने की जिम्मेदारी होगी सूर्य कुमार यादव के पास। सूर्य कुमार यादव स्काई इस खिलाड़ी का निक नेम है और गेंद को स्काई यानी कि आकाश में बहुत आसानी से पहुंचाना इस खिलाड़ी का कार्य भी है, जहां सूर्य कुमार यादव ने अभी हाल ही में इंग्लैंड के सामने नॉटिंगम में शतक जड़ा था और वेस्टइंडीज के सामने चौथे T20 मुकाबले में 76 रनों की एक शानदार पारी भी आई थी, जो दिखाता है सूर्य कुमार यादव क्यों भारतीय मिडल ऑर्डर को करेंगे लीड। उसके बाद 5वें नंबर पर रहेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। हम सब जानते हैं जिस दिन ऋषभ पंत का दिन होता है उस दिन आपके ओपोनेंट सिर्फ देखते रह जाते हैं मुकाबले को, क्योंकि पंत अपने अतरंगी शॉट्स के साथ करते हैं बड़ी पारियों को अपने नाम, और साथ ही में ऋषभ पंत के अंदर एक और स्किल देखने को मिल रहा है वेस्टइंडीज के दौरे से, जहां पारियों को संभल कर खेलने की कला भी अब ऋषभ पंत में नजर आ रही है। 6 नंबर पर ऑलराउंडर्स की भूमिका में सबसे पहला नाम आता है यहां से हार्दिक पांड्या का। इस साल के IPL से लेकर भला हम जाए वेस्टइंडीज के दौरे तक, हार्दिक पांड्या को जब भी टीम ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके ऊपर खरे ही उतरे हैं, भला वो बल्ले के साथ हो, गेंद के साथ हो, फील्डिंग हो या कप्तानी हो, हार्दिक पांड्या ने जीता है अपने फैंस का लगातार दिल। 7वें नंबर पर आ जाते हैं वहां से खेलने के लिए दिनेश कार्तिक। यहाँ हमने दिनेश कार्तिक को इसलिए रखा है क्योंकि जिस तरह की दिनेश कार्तिक की बेहतरीन फॉर्म चल रही है और भारत को चाहिए होगा एक एक्सपीरियंस फिनिशर, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के लिहाजे से उसी तरह का एक फिनिशर जो भारत के लिए पारियों को एक अच्छे नोट पर खत्म भी करे। इस IPL से लेकर अभी तक दिनेश कार्तिक की फॉर्म चल रही है उम्दा लेवल की। 7वें नंबर पर दिनेश कार्तिक के बाद 8वें नंबर पर यहां से जगह मिलती है स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करने वाले, गेंद के साथ चहल पहल मचाने वाले युजवेंद्र चहल की। यूजी चहल इनके आंकड़े इस खिलाड़ी के लिए काफी हैं, क्योंकि किफायती गेंदबाजी के साथ साथ युजवेंद्र चहल वो नाम है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जलवे करते आ रहा है 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद से, जब इन्हें उस टूर्नामेंट में जगह नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक है, भला वो इस साल के IPL में पर्पल कैप लेने का खिताब हो या फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर इंप्रेस करने का काम ही क्यों ना हो, यूजी चहल जरूर करेंगे इस साल स्पिन डिपार्टमेंट को लीड। फिर 9वें नंबर पर जहां दुविधा आती है कि आप एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जा रहे हैं या फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा रहे हैं या फिर ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, यहां पर 3 खिलाड़ियों के ऑप्शंस बनते हैं।
अगर आप फुल टाइम स्पिनर के साथ जा रहे हैं तो रवि बिश्नोई खेलेंगे, अगर आप ऑलराउंड स्पिनर के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए रविंद्र जाडेजा और दीपक हुड्डा का मौका बन जाता है नौवें नंबर पर टीम के अंदर शिरकत करने का। अगर जाडेजा या हुड्डा होंगे उनका बैटिंग ऑर्डर जरूर इन खिलाड़ियों से रहेगा ऊपर। 10वें 11वें नंबर पर पेस अटैक को लीड करने में जहां पर सबसे बड़ी कमी खलने वाली है जसप्रीत बुमराह की, उस कमी को इस साल पूरा करना होगा युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। वेस्ट इंडीज के T20 दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, 5 मुकाबलों में 7 विकेट्स लिए हैं, 16 से कम का एवरेज रहा है और इनका साथ निभाएंगे सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, स्विंग किंग जिन्हें कहा जाता है। गेंद को दोनों तरफ लहराने की क्षमता और भुवनेश्वर कुमार की शानदार फॉर्म जरूर भारतीय पेस अटैक में इस बार जसप्रीत बुमराह की कमी ना ही खलने दे तो रहेगा बेहतर और भारत जरूर इस 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान के सामने, जहां कर सकता है पिछली हार का बदला जो आई थी 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से बड़ी हार, उसका बदला लेना चाहेगा इस बार भारत। क्या लगता है आपको इस प्लेइंग 11 में क्या है कोई बदलाव आपके अकॉर्डिंग, जबकि ये थी क्रिकेट इन इंडिया की एक संभावित प्लेइंग 11। जाने से पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट वो भी सबसे पहले।